नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आप सभी के साथ रेणु भट्ट, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेषज्ञ, जो आप सभी को बताएंगे व्यंजनांत शब्द रूप। इस शीर्षक पर आप चर्चा सुनेंगे, और हम आपको बता दें कि हम ये संस्कृत के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं। हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल लैंग्वेजेस एनसीईआरटी से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जितने भी हमारे व्यूवर्स हमसे जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है शब्द रूपों के बारे में, तो आप अपने सवाल हमारे विशेषज्ञ से साझा करना ना भूलें। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर है 8800440559, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10th@cit.nic.in। जिस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और अगर आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं तो आप वहां पर कमेंट करना ना भूलें। लाइव चैट बॉक्स में जाएं, वहां पर आप कमेंट करें। एनसीईआरटी ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है, तो इन माध्यमों से आप हमसे ज़रूर जुड़ें और हमारे विशेषज्ञ से अपने सवाल ज़रूर पूछें। तो सर, हम आज बात कर रहे हैं 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए व्यंजनांत शब्द रूप, यानी शब्द रूपों के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या है ये शब्द रूप, किस शब्द रूपों के क्या प्रकार हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताइए। बिल्कुल, जो शब्द रूपों की चर्चा आपने की, तो शब्दों के बारे में हमें ये जानना चाहिए, सबसे पहले तो ये ध्यातव्य है कि शब्द है क्या। जी, हम व्यवहार में वाक्य प्रयोग करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हर समय किसी चीज़ को कहने के लिए बोलते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि शब्दों को कहते हैं कि प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि ही शब्द, अर्थात जिससे किसी पदार्थ की प्रतीति हो और वो ध्वनि हो, संकेतात्मक के लिए नहीं, वह ध्वनि होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि कोई भी ध्वनि हो, नहीं, जिससे जिस ध्वनि से किसी विशेष अर्थ का बोध हो, ऐसी ध्वनि, और वह वर्णात्मक ध्वनि के रूप में होती है। क्योंकि ध्वनि भी दो प्रकार की है, एक तो वर्णात्मक ध्वनि है, दूसरी पटपटादि रूप में जो वाद्य यंत्रों के द्वारा होती है। तो भाष्यकार ने ध्वनि को शब्द के रूप में स्वीकार किया है, और वह पदार्थ बोधिका ध्वनि होना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि जो हम व्यवहार में शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सुबंत शब्द होते हैं, दूसरे तिंगंत शब्द होते हैं, माने एक धातु रूप के शब्द होते हैं जो क्रिया के अर्थ को कहते हैं, और दूसरे शब्द होते हैं शब्द रूप जो प्रातिपदिक होते हैं। ये यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये धातु रूप के शब्द और शब्द रूप। ये सुबंत क्यों कहा जाता है अभी हम आपको बताएंगे, और ये तिंगंत क्यों कहा जाता है यह भी बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम इसके भेद देख लेते हैं। धातु रूप को छोड़ देते हैं, अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि धातु रूप क्रिया को कहता है, जैसे वह जाता है, खाता है। अब जाता है के लिए संस्कृत में गच्छति, खाता है खादति, इस तरह के प्रयोग होते हैं। तो ये जो प्रयोग हैं वो तिंगंत शब्द रूप के अंतर्गत आते हैं जी। और जो शब्द रूप हम देख रहे हैं, ये शब्द रूप कर्ता के अर्थ को व्यक्त करते हैं, अर्थात कर्ता, करण, संप्रदान आदि जो होते हैं वो शब्द रूपों को व्यक्त करते हैं जी। अर्थात हम ये जैसे राम, श्याम, सीता, रमा, रेणु, ये सब जो शब्द हैं, ये प्रातिपदिक सभी शब्द शब्द रूप के अंतर्गत आते हैं। आज हम धातु रूपों को अभी चर्चा नहीं करेंगे, इसकी चर्चा अगले सेशन में कभी रखेंगे जी। शब्द रूपों की चर्चा कर रहे हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्वरांत और दूसरे व्यंजनांत। स्वरांत से तात्पर्य है जिस शब्द के अंत में स्वर हो। स्वर अर्थात जानते हैं छोटा आ, बड़ा आ, ई, ऊ, ऐ, औ, ये। और व्यंजनांत जो शब्द हैं वो क, ख, ग, घ, इस तरह की जो वर्णमाला के शब्द हैं वो अंत में अगर होते हैं तो व्यंजनांत हो जाते हैं। अब यहाँ हम ये देख सकते हैं कि स्वरांत शब्द जो हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन प्रकार कौन कौन हैं? तो पुलिंग शब्द, जिससे
पुरुष का बोध होता है, ऐसे शब्द, और जो स्त्रीलिंग के बोधक होते हैं वो स्वरांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे सीता, गीता, पुस्तिका इत्यादि। और नपुंसक लिंग के शब्द वो होते हैं जिनसे नपुंसक लिंग का बोध होता है, जैसे पुष्पम, पत्रम, केंद्रम, इस प्रकार के शब्द। तो हम देख रहे थे कि स्वरांत जो शब्द हैं, जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है, चाहे वो ह्रस्व आकार हो या दीर्घ आ हो, इकार हो, उकार हो, कोई भी स्वर हो, ऐसे शब्द भी तीन प्रकार के हुए। अब हम व्यंजनों की अगर चर्चा करें तो वो भी इसी प्रकार से तीन भाग में विभक्त हैं। एक अलग प्रकार भी शब्दों का है जो अव्यय होते हैं, और अव्यय तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं। उनको अव्यय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो व्यय, परिवर्तित नहीं होते, चाहे पुल्लिंग में उनका प्रयोग किया जाए, चाहे स्त्रीलिंग में, चाहे नपुंसक लिंग में, तीनों में एक समान होते हैं। जैसे प्रातः, प्रातः यह अव्यय शब्द है, च यह अव्यय शब्द है, ये चाहे किसी के लिए भी विशेषण बने, कहीं पर भी प्रयोग किए जाएंगे, समान लिंग में रहेंगे, इनका लिंग परिवर्तित नहीं होता। अब अगर हम चर्चा करें कि जो स्वरांत शब्द हैं इनके कितने प्रकार हो सकते हैं, तो हम स्लाइड में ये देख रहे हैं। ये प्रकार है अकारांत, माने ह्रस्व आ जिस शब्द के अंत में हो वो अकारांत है। जैसे राम देख रहे हैं आप, एक उदाहरण के लिए राम है, केवल राम नहीं है, राम के स्थान पे बालक, ठीक है, सोहन, मोहन, प्रकाश, इस तरह के सभी शब्द जिस शब्द के अंत में ह्रस्व आ, छोटा आ सुनाई पड़ रहा हो, और वह पुलिंग हो, दो शर्तें हैं यहां पर, वह पुलिंग होना चाहिए और ह्रस्व आकार अंत में होना चाहिए, उस शब्द को अकारांत कहा जाता है, और उसका शब्द रूप रामह, यह प्रथमा के एक वचन का रूप है, रामह, रामौ, रामाह, सातों विभक्तियों में अलग अलग रूप होते हैं। स्त्रीलिंग में डैश डैश देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ह्रस्व अकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग में नहीं आता है। ओके, वो समास होता है तो समास में स्त्रीलिंग वाले शब्दों को ह्रस्व हो जाता है, वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन सामान्यतः प्रत्यय करके जो विधान होता है वह स्त्रीलिंग ह्रस्व आकारांत शब्द नहीं होते। और नपुंसक लिंग में जो शब्द हैं उनमें अम सुनाई पड़ता है, ये एक पहचान होती है, अम सुनाई पड़ता है, जैसे फलम, ज्ञानम, तो अब यहां पर भी वो ह्रस्व आ है, जैसे ज्ञान, फल, पुष्प, तो अंत में आ सुनाई पड़ रहा है ये, और उससे फलम, फले, फलानी, ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानी, इस तरह बन जाते हैं शब्द रूप। तो इसके प्रकार और अधिक होंगे, लेकिन हम केवल एक एक दृष्टांत के लिए और एक शब्द रखे हैं जी। ये ऐसा सिद्धांत है, ऐसा सिस्टम है जिसमें आप लाखों करोड़ों शब्द बना सकते हैं जी। जैसे राम से रामह बनाया गया, उसी तरह बालकः, श्यामः, मोहनः, प्रकाशः, इस तरह अनंत शब्द, मतलब उनकी संख्या हम परिगणित करें तो वो कम जी, होगा जी। ऐसे आप बना सकते हैं। इसी तरह आकारांत शब्द जिसके अंतिम में बड़ा आ सुनाई पड़ रहा हो, जैसे विश्वपा, और इसका रूप विश्वपाहा, फिर आगे सातों विभक्तियों में रूप होते जाएंगे जी। स्त्रीलिंग में अगर जाएं तो रमा, राधा, और रमा का रमा ही, रमा, रमे, रमाहा, राधा, राधे, राधाहा, सीता, सीते, सीताहा, गीता, गीते, गीताहा, भव्या, भव्ये, भव्याहा, इस प्रकार से अनेक शब्द आप बना सकते हैं। अनेक का तात्पर्य है कि हजार, लाख, दो लाख, करोड़, जितने आप चाहें वो बना सकते हैं इस सिस्टम के आधार पर। इसी तरह नपुंसक लिंग शब्द अगर है, जैसे श्रीपा, श्रियम पाति इति श्रीपा, कुलम, कुल का विशेषण होगा क्योंकि कुल शब्द नपुंसक लिंग है, तो इस तरह यह श्रीपा शब्द श्रीपम, श्रीपे, श्रीपाणी रूप चलेगा। और ये हम सभी को अभी नहीं बताएंगे क्योंकि सारे दिखाई पड़ रहे हैं, बच्चे उदाहरण के तौर पे ये सभी समझ सकते हैं जो देख रहे हैं। इनके अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, रिकारांत, एकारांत और ऐकारांत दोनों के उदाहरण हैं, ओकारांत और औकारांत, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 11 ये जो स्वर वर्ण हैं, हिंदी में भी 11 स्वर वर्ण होते हैं, तो वो स्वर वर्ण जिन शब्दों के अंत में हो
और वो या पुलिंग के अर्थ को कह रहा हो, स्त्रीलिंग के अर्थ को कह रहा हो, या नपुंसक लिंग के अर्थ को कह रहा हो, उसके शब्द रूप आप इस प्रकार से चला सकते हैं। कुछ परिवर्तन होता है वो विशेष प्रक्रिया के तहत व्याकरण के सूत्रों के द्वारा होता है, लेकिन सामान्यतः इसी प्रकार से चलते हैं। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो व्यंजनांत शब्दों पर है, स्वरांत पर नहीं है जी। स्वरांत शब्दों की चर्चा हम किसी अगले सेशन में करेंगे, किसी अगली कक्षा में उसकी बात करेंगे, तो हम बताएंगे कि स्वरांत शब्दों में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। अभी हम व्यंजनांत शब्दों की चर्चा कर रहे हैं और उनको देखते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि एक विभक्ति दिखाई पड़े, राम शब्द है और यहाँ राम, वो विसर्ग कहाँ से आ रहा है जी, ये प्रश्न होता है। इसी तरह फलम, तो फल शब्द है, उसमें फलम म कहाँ से आ रहा है, ये प्रश्न होता है। इसी प्रकार सब में आप देखेंगे कि मूल शब्द जो है वो कुछ अलग है, हरि है, आगे हरि ही सुनाई पड़ रहा है ना। इसी तरह गुरु है, गुरु का गुरु सुनाई पड़ रहा है ना, तो अलग अलग क्यों सुनाई, ये परिवर्तन कहाँ से हो रहा है। और अगर इसका जब सातों विभक्तियों में रूप आप देखेंगे तो और अलग दिखाई पड़ेगा, वो परिवर्तन किसके द्वारा होता है उसे हम इस स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हैं जी। होता यह है कि किसी भी शब्द से ये 21 प्रत्यय हैं जो जोड़े जाते हैं, और इन प्रत्ययों के कारण ही संस्कृत में जो शब्दों के अर्थ हैं वो बदलते नहीं। सर यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि विसर्ग लगता है और माँ जहाँ पे जुड़ रहा है, ये जो दो चीजें जुड़ रही, तो इससे क्या क्या बदलाव आते हैं और उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। हाँ हाँ, क्या क्या उसमें, अगर राम है और राम के आगे हम विसर्ग लगा देते हैं तो क्या बदलाव उसमें आया, ये भी हमें बताएं। बिल्कुल, देखिए क्या है, राम शब्द केवल प्रातिपदिक है, वो पद नहीं है, और जब उसमें विभक्ति लग जाती है तो वह शुद्ध संस्कृत में पद बन जाता है। जब तक वो विसर्ग विभक्ति नहीं लगती तब तक वो प्रयोग के योग्य नहीं होता, वो ऐसा कहें कि वो पद बनता नहीं है। पद को बनाने के लिए ही विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार की विभक्तियां हैं, सुवंत और तिंगंत, जो भी पीछे हमने देखा था। तो जब धातु रूप बनाते हैं तो तिंग वाले प्रत्यय लगते हैं और वो विभक्ति संज्ञक होते हैं। इसी तरह सु औ जस अम औट शश टाभ्याम भिष, ये जो अभी हम देख रहे थे, ये प्रत्यय भी शब्दों से जुड़ते हैं। जब ये जुड़ जाते हैं तभी शब्द अपने वास्तविक रूप में आता है। उसके पहले वो एक ऐसा रहता है जैसे आपके पास आटा रखा हुआ है, लेकिन उससे आप अलग अलग चीजें बना पाते हैं, अलग अलग भोज्य पदार्थ बना पाते हैं, और वो सार्थक होता है। जब तक वह नहीं तब तक वो निरर्थक रखा हुआ जी। बस वैसे ही है, आप समझ लीजिए कि विभक्तियों के लगने के बाद, प्रत्ययों के लगने के बाद शब्दों का संस्कार होता है, और उस संस्कार के बाद वो शुद्ध शब्द के रूप में आते हैं और अपने विशिष्ट अर्थ को कहते हैं। राम कहने का कोई अर्थ नहीं आएगा, लेकिन रामह कहने का एक राम है ये अर्थ आ जाएगा जी। रामौ कहेंगे तो दो राम हैं, राम में जो औ विभक्ति लगी है उस औ का ही अर्थ दो है, तो रामौ कहने का अर्थ दो राम। इसी तरह जब रामाह कहा जाता है, वहां पे जो विभक्ति शश विभक्ति जस विभक्ति लगती है, उस जस में अश शेष रहता है और उसको सकार को विसर्ग होके रामाह बनता है, तो वो कई राम के अर्थ को कहता है। आप केवल राम इतना अगर उच्चारण करते हैं तो इस राम शब्द का कोई अर्थ, कोई नहीं, अर्थ नहीं है उसमें। एक केवल प्रातिपदिक है, रकार उत्तरवर्ती आकार, तदुत्तरवर्ती मकार, तदुत्तरवर्ती ह्रस्व आकार, केवल इत्याकारक आंगपूर्वी का बोध कराता है। अतिरिक्त जो अर्थ है उस अर्थ को एकत्व विशिष्ट संख्या का बोधक वो नहीं हो पाता है और वह पद नहीं बन पाता। इसलिए जो हम ये देख रहे हैं 21 प्रत्यय, इन प्रत्ययों के जुड़ने के बाद जो प्रातिपदिक है, जो शब्द है, वो अपने संख्या को भी कहता है और कारकत्व को भी कहता है। जैसे प्रथमा विभक्ति है, यह प्रथमा सु औ जस ए कर्ता अर्थ को कहने वाला है। इसी तरह अम औट शश ये कर्म को कहता है, टाभ्याम भिष ये करण को, चतुर्थी संप्रदान को, पंचमी अपादान को, षष्ठी संबंध को, सप्तमी अधिकरण को, और संबोधन जो है वह संबोधन को ही कहता है। संबोधन अर्थात हम किसी को शब्द बोल करके और उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि हे राम,
अय बालक इधर सुनो, तो अय जो है वो संबोधन होता है। तो इस प्रकार से स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम भी कहा जाता है, अपनी तरफ उन्मुख करना किसी को, कोई किसी अन्य कार्य में लगा है उस कार्य से उसको विरत करके अपनी तरफ उन्मुख करना संबोधन कहा जाता है जी। तो ये जो विभक्तियां हम देख रहे थे सु औ जस या विसर्ग औ, आगे जस है, जस के आगे अह लिखा है, एक्चुअली होता यह है कि वो अह ही रूप बदल के अंत में सुनाई पड़ता है, इसलिए समझने के लिए सरलता की दृष्टि से अह इत्यादि वहां लिखा गया है। जैसे आ तृतीया में आ देख रहे हैं ना, तो टा प्रत्यय है लेकिन आ देख रहे हैं, अब ये आ अंत में सुनाई पड़ता है इसलिए इसे रखा गया है। जिस सिद्धांत पे अभी हमने अकारांत आकारांत आदि प्रातिपदिकों को देखा था, उसी सिद्धांत पे व्यंजनांत शब्दों की चर्चा करते हैं जी, बिल्कुल। क्योंकि व्यंजनांत शब्द देखिए, जैसे वहां अकारांत था यहाँ हकारांत है, लिह शब्द है अंत में हा सुनाई पड़ रहा है, स्त्रीलिंग में उपान शब्द है अंत में हा सुनाई पड़ रहा है, इसी तरह नपुंसक लिंग में स्वनडुह शब्द है, इसका इसमें भी अंत में हा सुनाई पड़ रहा है। अब एक चीज और चर्चा करते चले साथ में, लिह का अर्थ होता है स्वाद लेने वाला, लेहयति तिलिह, ऐसा कोई पदार्थ हो सकता है या व्यक्ति भी हो सकता है। इसी तरह उपानह, उपानह शब्द का अर्थ जूता चप्पल होता है, ऐसे ही स्वनडुह शब्द का अर्थ बैल होता है। तो अब ये जो शब्द हैं देखिए तीनों लिंगों में अलग अलग देखे जा रहे हैं और सभी हकारांत शब्द हैं, अंत में हा सुनाई पड़ रहा है, इनके शब्द रूप अलग प्रकार से चलते हैं, अकारांत वाले नहीं होते। जैसे लिट का है तो लिट लिड लिहऊ लिहह लिहम लिहऊ लिहह, तो इस तरह में जो पीछे हमने प्रत्यय देखे थे ये प्रत्यय, ये सभी प्रत्यय उसमें जुड़ते जाएंगे और ये सारे प्रत्यय वहां पे सुनाई भी पड़ते हैं। हम इनकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये देखिए हकारांत चतुर शब्द है, अंत में रा सुनाई पड़ रहा है ना, तो इसलिए ये रकारांत शब्द है, रेफांत शब्द भी कहते हैं। चतुर शब्द का है स्त्रीलिंग में चतश्री रूप हो जाता है, नपुंसक लिंग में चत्वारी यह रूप हो जाता है। वाह शब्द है जिसका अर्थ होता है जल, तो वाह वारी वारी ऐसे रूप चलते हैं जी। इसी तरह मकारांत शब्द है किम, किम का अर्थ होता है क्या, पुल्लिंग में अगर रहेगा तो कह कौ के ये रूप बनते हैं, स्त्रीलिंग में होगा तो किम शब्द का बदल के रूप हो जाता है का के काहा, और नपुंसक लिंग में होगा तो किम के कानी अथवा इदम का रूप, ये मकारांत होने के कारण हमने यहाँ पे उदाहरण दे दिए हैं। ऐसे ही नकारांत शब्द तकारांत शकारांत और चकारांत के यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। आप क से लेकर के सभी वर्णों के अंत में, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है जी, किंगा या ड़ा और या, ये अंत में रहें ऐसा व्यंजनांत शब्द मिलता नहीं है, प्रयोग में है नहीं, इसलिए इनको छोड़कर शेष सभी, जैसे ककारांत अंत में का आता हो ऐसा शब्द, अंत में खा आता हो, अंत में गा आता हो, ऐसे शब्द रूप पाए जाते हैं, मिलते हैं, और सभी के रूप अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं, और जब हम गहराई से पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो वो मिल जाते हैं और उनके उदाहरण भी मिलते हैं। ठीक है, इनको हम समझने के लिए इस प्रकार से देख सकते हैं, एक उदाहरण यहाँ दे रहा हूँ, इस एक उदाहरण के द्वारा आप लाखों शब्द बनाने में समर्थ हो जाएंगे। एक सिद्धांत को आप अगर समझ लेते हैं अच्छे से तो लाख तो कम बोल रहे हैं, इससे भी ज़्यादा बना सकते हैं आप। जैसे देखिए गतवत शब्द है, गतवत माने गया, ठीक है, गतवत, अब गतवत का रूप चलता है गतवान गतवंतौ गतवंतः। अब देखिए यहाँ विभक्ति औ पीछे जो देखे थे वो यहाँ सुनाई पड़ रही है, अह जो देखे थे तह में अह सुनाई पड़ रहा है, जो अम हमने पढ़ा था वो अम यहाँ गतवंतम में सुनाई पड़ रहा है, जो टा का आ पढ़ा था वो गतवता में आ सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि गतवत का जो ता है उसमें आ आपने जोड़ दिया गतवता बन गया, उधर ए था उसको गतवत में जोड़ दिया आपने गतवते बन गया। इस प्रकार से सभी जब उन विभक्तियों को साथ में रख करके आप अभ्यास करेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, उन विभक्तियों को बस जोड़ते जाना है और ये शब्द रूप बन जाएंगे। अब देखें जरा गतवान गतवंतौ गतवंतः, गतवान का अर्थ है गया, वह गया, पुल्लिंग में द्विवचन अगर है दो लोग गए तो गतवंतौ वो दोनों गए, और गतवंतः माने वे सभी गए, छात्राः गतवंतः सभी छात्र चले गए,
छात्रौ गतवन्तौ, दोनों छात्र चले गए, और गतवान छात्रः गतवान, वह छात्र चला गया। तो ये अर्थ है। अब इसी तरह जरा आप इन शब्दों को लेके बनाइए। भगवत शब्द है तो क्या बनेगा? भगवान भगवन्तौ भगवन्तः। उक्तवत, उक्तवत माने कहा, तो उक्तवान उक्तवन्तौ उक्तवन्तः। ये मैं एक का बोल रहा हूँ, बाकी सब उसी तरह बनते जाएंगे। जैसे यहाँ गतवंतम तो उक्तवंतम उक्तवन्तौ उक्तवतः उक्तवता उक्तवद्भ्याम उक्तवद्भिः, कोई अंतर नहीं आगे, केवल शुरू के दो शब्दों को आपको बदल देना है। तो जितने भी शब्द देख रहे हैं, हनुमत शब्द है, हनुमत का अर्थ हनुमान होता है, तो उसका रूप वही चलेगा, गतवान गतवंतौ गतवन्तः, तो हनुमान हनुमन्तौ हनुमन्तः, हनुमन्तम हनुमन्तौ हनुमतः, हनुमता हनुमद्भ्याम। इस प्रकार से सभी शब्द रूप जो हम अभी देख रहे थे, इन सभी शब्द रूपों को आराम से बना सकते हैं। सिर्फ हमें ये देखना है कि इसमें जुड़ने वाला प्रत्यय और विभक्ति कौन है। ठीक है, तो अब इस सिद्धांत को मान करके आप ये सारे जितने शब्द दिख रहे हैं, 1 2 3 लगभग 10-15 तो हैं ही जी, तो इन सभी शब्दों को बनाएंगे और सबके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे प्रज्ञावत, अब प्रज्ञावत को आप यहाँ ले आइए, इस सांचे में ढालिए, प्रज्ञावान प्रज्ञावंतौ प्रज्ञावंतः, अर्थात प्रज्ञा माने बुद्धि होती है, तो प्रज्ञावान का अर्थ होता है बुद्धिमान, बुद्धिमंतौ माने दोनों बुद्धिमान, बुद्धिमंतः माने सभी बुद्धिमान, है ना। इसी तरह बलवत शब्द है, तो बलवत को यहाँ ले आइए, बलवान बलवंतौ बलवंतः, बलवान माने बल है, जिसके पास वो बलवान हो जाएगा, तो बलवान माने एक बलवान, बलवंतौ माने दो बलवान, और बलवंतः माने सभी बलवान। तो इस प्रकार से अंशुमान, अंशु माने होता है तेज, सूर्य भगवान के लिए कहा जाता है, तो अंशुमान अंशुमंतौ अंशुमंतः, दीप्तिमान दीप्तिमंतौ दीप्तिमंतः, दृष्टवान दृष्टवंतौ दृष्टवंतः, आगे भी रूप चलेंगे, दृष्टवंतम दृष्टवंतौ दृष्टवतः दृष्टवता दृष्टवद्भ्याम दृष्टवद्भिः। आगे हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय का अभाव होगा, यहाँ पे एक निश्चित समय सीमा में बहुत सारी बातें कहना कठिन होता है, तो इसलिए उनको हम नहीं देख रहे हैं। इसका एक अलग और रूप देख लेते हैं। जैसे हमने गतवत का रूप देखा कि गतवान गतवंतौ गतवंतः, वैसे ही इसका देखते हैं, क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द रूप है, तो ये क्षत्रिय प्रत्यांत इच्छन इच्छन्तौ इच्छन्तः, इच्छन अर्थात चाहना, ठीक है, तो चाहते हुए, दोनों चाहते हुए, इच्छन्तः माने सभी चाहते हुए, है ना। पठत को यहाँ ले आइए, पठन पठन्तौ पठन्तः, लिखत को ले आइए, लिखन लिखन्तौ लिखन्तः, वह लिखते हुए जाता है, सह लिखन गच्छति, वह लिखते हुए जा रहा है, इस प्रकार से इनका वाक्य प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज यह है कि ये शब्द रूप जो हम पुलिंग में देख रहे हैं, अभी आप हेडिंग में आपने देखा होगा, इच्छत तकारांत क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द है और ये पुलिंग का शब्द है, इसको आप स्त्रीलिंग में भी चला सकते हैं और नपुंसक लिंग में भी चला सकते हैं। अगर स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो सिर्फ इतना करना है कि हमें बड़ी ई जोड़ना है और बीच में ना, पठंती पठंत्यौ पठंत्यः, लिखंती लिखंत्यौ लिखंत्यः, और नपुंसक लिंग में अगर चलाते हैं तो पठत पठती पठंती, लिखत लिखती लिखंती, वदत वदती वदंती। इस प्रकार से आप अनेक शब्द रूप हजारों की संख्या में, सिर्फ एक को हमें दिमाग में बैठाना है कि ये शब्द रूप बन कैसे रहा है और इसके सिद्धांत क्या हैं, उसके बाद आप फैक्ट्री पूरी चला दीजिए शब्दों की और नए नए शब्द बनाते रहिए और उनका वाक्य प्रयोग करते रह सकते हैं हम जी। तो जिस प्रकार से सर ने आपको कहा कि आप ढेर सारे शब्द बना सकते हैं, लाखों से ज़्यादा शब्द बना सकते हैं, आप ज़रूर बनाएं। अगर आप ये सेशन दोबारा देखना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर उस वीडियो को पॉज करके आप वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से शब्द रूपों का इस्तेमाल किया गया है, कौन कौन से शब्द वहाँ पर दिए गए हैं। हम आप सभी विद्यार्थियों से इसकी आशा करते हैं और आप हमें मेल के द्वारा भी बता सकते हैं। सर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे स्टूडियो आए और आपने हमारे संस्कृत के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इतने अच्छा पाठ पेश किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। और अपने सभी स्टूडेंट्स से हम कहते हैं कि अभी हम थोड़े समय के लिए रुक रहे हैं, पीएमई विद्या चैनल और एनसीईआरटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम दोबारा हाजिर होंगे अपने एक और ज्ञानवर्धक सेशन के साथ। आप कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।